उत्तर प्रदेश के नागरिक जब शिवखोड़ी के लिए निकले थे उनको बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि उनकी जिंदगी की अंतिम यात्रा होगी। आज परिवार में शोक की लहर है, जो परिवार के तमाम सदस्य हैं उनके शवों को लेने के लिए आए हैं। किसकी मृत्यु हुई आपके घर? मामा की मृत्यु हुई हमारे घर, एक मामा के पोते की और एक मामा की लड़की की। मतलब एक सवाल सब खड़े कर रहे हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं इस घटना को? जिम्मेदार तो ड्राइवर की लापरवाही से लग रहा है हमको तो, और सब समय का वो है प्रभाव। वो तो यात्रा के लिए बोल रहे थे भाई, यात्रा करके आएंगे, हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं देवी पे। कुरुक्षेत्र गए थे और वैष्णो देवी, नैना देवी, चामुंडा देवी दर्शन का प्रोग्राम था गए, यानी धार्मिक यात्रा पर निकले। लेकिन कभी सोचा नहीं था ये अंतिम यात्रा। नहीं नहीं, कि इस तरफ मॉर्चुरी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 22 जो शव यहाँ पर पहुंचे हैं, जो इस दुर्घटना में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके शव यहाँ पर हैं और यहाँ पर उनका पोस्टमार्टम चल रहा है। और धार्मिक यात्रा पर निकले थे और धार्मिक यात्रा के लिए जब वो अपने घर से निकले होंगे, किसी को नहीं ये जानकारी होगी कि उनकी जिंदगी की अंतिम यात्रा जो है वो साबित होने वाली, कि चोटें भी आई हैं कई लोगों को। और ये देखिए वो सामान है बिखरा हुआ, घर से यही सामान वो लोग अपने लेकर निकले थे कि हम इसको चेक कर रहे हैं। लेकिन जब 50 सीटर गाड़ी पर 90 लोग सवार हुए तो इसको किसी ने चेक क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और इसी कारण से कहते हैं कि दुर्घटना होती है ओवरलोडिंग की समस्या से होती है, ओवर स्पीडिंग की समस्या से होती है।